अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 मुहर्रम हो चुकी है और मुहर्रम का एहतराम करते हुए हम 10 दिन जो हैं व्लॉग नहीं बनाएंगे। इस वजह से हम आपको इतला दे रहे हैं कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि मुहर्रम का एहतराम करें, और इसी तरह हम भी एहतराम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी एहतराम करना चाहिए, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और हमारा दूसरा चैनल है वॉइस ऑफ खतीजा, वहाँ पर हम लोगों की मदद करने के लिए हमने चैनल बनाया है। वहाँ पर लोगों की वीडियोज़ बनाई हैं, ऊपर उनका नंबर मेंशन किया हुआ है, तो जितना हो सके आप उनकी हेल्प भी करें और जाकर वो वीडियोस भी देखें। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब मेरे बहन भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मुहर्रमुल हराम तो शुरू हो गया है और हर मुसलमान का यही फ़र्ज़ है कि मुहर्रमुल हराम, जिसने इमाम हुसैन बादशाह ने दीन को बचाया, ठीक है, तो इन दिनों को आप गम में ज़रा मनाएं, मतलब कि खुशी ना जाहिर करें, क्योंकि खुशी के दिन ही नहीं है। जिन्होंने दीन को कुर्बानी दी है, अपनी कुर्बानी दी है दीन के खातिर, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बस आप खुशी ना मनाएं, गम में ही रहें, ठीक है, ना रोएं ज़्यादा और ना कुछ, बस सोग में रहें, बस सोग में रहें, बस खुशी को ज़ाहिर ना करें। मैंने भी खतीजा को यही कहा है कि हम ये 10 दिन व्लॉग नहीं बनाएंगे। एहतराम तो 2 महीने 8 दिन का है, पर हम 10 दिन तक व्लॉग नहीं बनाएंगे। आज भी व्लॉग नहीं बना रहे थे, पर आज हमें मजबूर थे, क्योंकि आपके लिए हमने एक वीडियो बनानी थी। आपको बताया तक नहीं था कि हमने 10 दिन व्लॉग नहीं बनाना, पर आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि हम व्लॉग नहीं बनाएंगे। ये हमारी आखिरी वीडियो है, हम इस वीडियो के बाद कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आपने हमें देखना होगा तो हमने एक और यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, खतीजा वॉइस ऑफ खतीजा, ठीक है, वो आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे खतीजा लोगों की मदद की, हेल्प की वीडियो बना रही हैं। वो भी हमारे चैनल को लाजमी देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अब मुझे और खतीजा को इजाज़त दें, इसी उम्मीद और इसी यकीन के साथ कि आप हमें दुआओं में याद रखेंगे और आपने ये 10 दिन 12 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीने जितना भी हो सके, 2 महीने 8 दिन का शौक होता है, पर आप जितना भी मतलब के कर सकते हैं तो कर सकें, ठीक है। लिहाजा ये 10 दिन तो आपने ऐसे गुजारने ना सादगी में कि जैसे नबी पाक ने ज़िंदगी गुजारी, ठीक है, उनकी आल औलाद ने ज़िंदगी गुजारी, तो वैसे अपने आप के किरदार ठीक कर लें। तो अल्लाह खैर सल्ला, बस हमें मुझे और खतीजा को इजाज़त दें, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ 10 मुहर्रम के बाद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।